नोएडा के सेक्टर 21 में हुए हादसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी के एक अफसर को गिरफ्तार किया। वहीं अब कॉन्ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले में FIR दर्ज की है। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 21 में स्थित जलवायु विहार हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिरने के मामले में नोएडा अथॉरिटी से मिली शिकायत के आधार पर कंपनी के डायरेक्टर सुंदर यादव और उसके दूसरे सहयोगी गुल मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी गुल महमूद को थाना सेक्टर 20 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर सुंदर यादव अब फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, गुल मोहम्मद और सुंदर यादव के विरुद्ध। गुल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग में धारा 304, 337, 338 और चाइल्ड लेबर एक्ट का अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया है, क्योंकि इसमें दो लेबर माइनर भी हैं और दूसरे अभियुक्त की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।